चुनाव में लोग काम कम करते हैं, चुनाव में इंजन कसने का काम करते हैं। इंडिया अलायंस की गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस में सब राष्ट्रवादी तो हैं, कौन से देशद्रोही हैं? सब राष्ट्रवादी हैं। 2024 में किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन की। नहीं देखो, हम तो अपनी जातिवादी करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव को लेकर के सरगर्मी दिखाई देने लगी है। लोकसभा का चुनाव होना है, लोगों का मत किस ओर जाएगा? मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यह अड्डा निहाल है। यह इटावा शहर से लगभग 4 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है और यह यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ यादव समाज का पूरा गांव है, क्षेत्र है, आसपास के लोग सभी यादव हैं और मैं इस अड्डा निहाल के उस गांव के बीच चौराहे पर हूँ जहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं और यह किस ओर वोट करेंगे, क्या इनका मत रहेगा, यह जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि क्या इस बार 2024 में किसको पसंद करने वाले हैं और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गठबंधन का लाभ होगा, किस ओर जाएगा। क्या नाम है आपको भैया? अनिल कुमार यादव। अनिल जी, ये बताइए 2024 में इस बार किसकी सरकार बनने की संभावना है? इस बार इंडिया अलायंस की बनेगी, इंडिया अलायंस की गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको कि इंडिया अलायंस की सरकार क्यों बनेगी? क्योंकि अब की बार वोट विकास पे पड़ेगा और रोजगार पे पड़ेगा, इस पे ध्यान दिया जाएगा पूरा। जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, क्या नुकसान आपको नजर आ रहा है? 10 वर्षों में नुकसान, रोजगार खत्म है बिल्कुल। जो भी है नौकरियां आ रही हैं ज़्यादातर कोर्ट में चली जा रही हैं और अग्निवीर योजना भर्ती हो रही 4 साल वाली और ज़्यादातर सब ठेके पर चली, रेलवे है और भी नौकरियां हैं सब। आप क्या काम करते हैं? हम तो यही टावर लोकल काम कर लेते दुकान वकान पे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि यादव समाज के लोग राष्ट्रवादी होते हैं और वो जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद जातिवाद तो होते हैं लेकिन राष्ट्रवादी भी होते हैं। तो हाँ, तो ये राष्ट्रवाद इंडिया अलायंस में सब राष्ट्रवादी तो हैं, कौन से देशद्रोही हैं? सब राष्ट्रवादी हैं, इन्हीं को वोट पड़ेगा। आपकी बात भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार कैंपेन कर रही है और वो ये भी कहती है कि यादव समाज के लोग जो है सैफई वालों के बापोती नहीं, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य, उनके सारे नेता कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बोलते रहते। कोई बोलता 12 बजे बुद्धि खोलती है, कोई कुछ कोई और जरा सा बोल दे तो मुकदमा भेज देते हैं। तो हम फिर इससे अच्छा तो अपने पार्टी को ही वोट देंगे। तो फिर अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह इस बार साथ हैं तो 2024 के चुनाव में कितनी मजबूती दिखाई देगी? पूरी मजबूती, इटावा लोकसभा सीट निकलेगी एकदम एक तरफा। हाँ, पिछली बार 52,000 से हार गए थे तो कहीं ना कहीं चर्चा की महसूस कमी हुई, इस बार पूरे जीतेंगे। इस बार जीतेंगे। मेरे साथ और भी लोग हैं, पूछूंगा क्या नाम है आपका। ये कुछ नाम क्या है आपका? बता और नाम राकेश। क्या काम करते हैं आप राकेश जी? काम तो किसान ही काम करते हैं। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? हम जगह बताया लेकिन की मने, हम तो किसान आदमी। प्रधानमंत्री कौन आपको ठीक लगेगा? और कुछ मतलब 2024 में इनका क्या मत है, यह समझने की कोशिश की है लेकिन ये बताने की स्थिति में नहीं है। और भी लोग मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं जो आ रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम किशन यादव। क्या लग रहा है किशन जी, इस बार 2024 में किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की क्यों बनेगी? आप वहाँ से मानिकपुर मोड़ से यहाँ तक आए, आपने देखी ली होगी गड्ढों की हालत, जिस तरीके से इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ है, चाहे सड़क हो, इस समय सड़कों की हालत आप देखिए, गड्ढे की दिखाइए आप अपने कैमरे से, कहीं जहाँ तक वहाँ तक आए हैं, लोग क्यों वोट करें? लेकिन वैसे तो भाजपा कहती है कि यादव जो है वो राष्ट्रवादी भी होते हैं, जातिवादी तो होते हैं लेकिन राष्ट्रवादी भी होते हैं। राष्ट्रवादी होते हैं इसीलिए लोग इंडिया गठबंधन को देंगे, भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं करेंगे, राष्ट्रवादी होते हैं इसीलिए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो कहते हैं कि यादव सपा वालों की या सैफई वालों की बापोती तो है नहीं, वो तो बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ हैं, सारे यादव नहीं, जो भी लोग इस सरकार से परेशान हैं, गरीब हों, नौजवान हों। इस सरकार में क्या नुकसान दिखाई दे रहा है आपको? इस सरकार में आप लोग बता दो फायदा ही क्या है, सब लोगों की नौकरियां वो बंद हैं, डेवलपमेंट के जितने काम वो बंद हैं,
पढ़ाई लिखाई में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट, जितने भी काम हैं सब उनके रुके पड़े हैं। कोई भी काम ऐसा अगर आप एक गिना दो इटावा इस ज़िले में जो कि उनको वोट किया जाए, इन लोगों का काम है सुबह से शाम तक मीडिया में बैठकर लफ्फेबाजी करना, और उसके अलावा कोई काम नहीं। चलिए इंडिया गठबंधन की बात अगर हम मान भी लेते हैं तो अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह की जोड़ी कितना कमाल कर पाएगी इस बार चुनाव? ये तो प्रमाण हो गया है, दो बार मैनपुरी के भी चुनाव में, घोसी के भी चुनाव में। जब तक लोग कहते हैं कि उपचुनाव जितने भी होते हैं सरकार के होते हैं, और माननीय शिवपाल सिंह जी ने और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिखा दिया है कि उपचुनाव भी कैसे जीते जा सकते हैं जनता के बीच में जाकर। इतनी नाराज़गी है बीजेपी से कि उपचुनाव कोई सा भी चुनाव हो, बीजेपी चुनाव करे चुनाव हार जाएगी, कोई सा भी चुनाव करें, क्योंकि ये चुनाव में लोग काम कम करते हैं, चुनाव में इंजन कसने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा फिर 24 में? प्रधानमंत्री तो यहाँ तो दुनिया के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ किसी को ही बनाओ, हमारे यहाँ तो लाइन लगी हुई। अच्छा वहाँ बताइए बीजेपी में अगर नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे दूसरा कौन सा है? कोई नाम दूसरा नाम ही नहीं हुआ। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? बस यही कह दी, हम कुछ कह पहनी हुए हैं। नाम तो आपका होगा। शर्मन यादव। शर्मन जी क्या काम करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं। क्या लग रहा है इस बार 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? मतलब प्रधानमंत्री में कि लोकसभा में 24 में एक ही चुनाव होना है। अब हम कैसे क्या कह दें भाई, अब किसकी बनेगी तो समय आने ही पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है, आप राष्ट्रवाद को वोट करेंगे या जातिवाद को वोट करेंगे या फिर विकास को वोट करेंगे? नहीं देखो, हम तो अपनी जातिवाद ही करेंगे। केशव प्रसाद तो कहते हैं कि राष्ट्रवादी भी होता है यादव। नहीं केशव आप कहते हैं अच्छी बात है, उनकी अलग उनकी सोच है, हमारी अलग है अपनी साहब। तो फिर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सैफई सपा परिवार के ही सब यादव, उनकी तो बापोती में आते नहीं है उनकी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है उसको वहाँ वोट देते हैं, सही कि नहीं है? तो फिर ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह ये दोनों लोग अगर साथ हैं तो क्या इंडिया गठबंधन में इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा दोनों को? अब इनका तो भाई हमें नहीं मालूम, हम तो इतना घर पर रहते नहीं हैं भाई, हम तो गाड़ी अपनी ट्रक है चलाते हैं घर पर बहुत। तो फिर आपको पता होगा कि क्षेत्र में लोग क्या? नहीं आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं सरकार में? नहीं हमारा तो व्यापार यही देखो मान लो मोटरबाजी, बिल्कुल जितना व्यापार था सब खत्म हो गया, मोटरबाजी 0 पॉइंट भी पहुँचा दी हमारी, क्या सभी की मान लो सब रो रहे बैठे बैठे, और कोई व्यापार हमारा कोई है नहीं कि आए फौज फॉलिंग नौकरी लग जाएँ। शुरू से कर रहे थे, अब जैसे मान लो कि रोड पर टोल टैक्स तो बढ़ रही और ये महंगाइयाँ बढ़ रही हैंगी समझे, डीए पेट्रोल तो मतलब गाड़ी रोड पर तुम देख रहे हो कितनी चल रही है, आप बताओ 100 में मुश्किल से 60% चल रही होगी। अब मीडिया में देखो तो भी छाते जे मोदी ले ये लो योगी ले ये मतलब बातें चल रही हैं, जब आदमी परेशान हो जाए तो क्या करने, तो घर ही बैठे तो क्या जो समझ में आएगा वो करेंगे फिर। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब प्रधानमंत्री समय आने दे कौन बनता है। देखिए सबने अपने अपने विचार रखे, यहाँ कुछ और भी लोग बैठे हैं बुजुर्ग, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार वोट करेंगे और किसकी ओर रुझान रहेगा। क्या नाम है आपका? राव नाम रामदार। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार बनी चल रही है, अब का सरकार का भी बनी है केंद्र में सरकार की? हाँ बनी चल तो रही, यही चल रही है। गठबंधन हो गया सारे दल एक? क्यों नहीं हो रहा गठबंधन का कार्य? अच्छा तो भारतीय जनता पार्टी यही रहेगी? यही रहेगी। लोग बड़े परेशान हैं सब, तो परेशान राम करेगा। आप वोट किस मुद्दे को लेकर के देंगे? हम वोट का मुद्दा को नहीं, नहीं मान लो विकास को लेकर जाए रहो, विकास हो ही नहीं है, ये हुए ही नहीं, वो तो बनारस गोरखपुर में हुए इनका हुए, आज तक क्यों नहीं काम भाव हो बताओ। चलिए बिना महिलाओं के तो कोई चर्चा ही अधूरी है, महिला आरक्षण हो गया। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? पहले आप अपना नाम बताइए। सुनीता देवी। सुनीता जी 2024 में लोकसभा के चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अब जनता जैसे चुनेगी वही बनेगा, ये तो सबको पता है। आपको क्या लग रहा है आप किसको वोट करने वाले हैं इस बार, गठबंधन को या फिर? हमें तो जो सड़कें बना के दी है पूरी VIP, हम तो उनको गठबंधन कर रहे हैं। अच्छा। जो हम परेशान हैं सड़कन से ही। इस सरकार में तो ये भी हो गया है कि इस बार सारे दल एक साथ हो गए हैं, सारे दल एक साथ जुड़ गए हैं,
तो अब आप किसको वोट करेंगे, गठबंधन को वोट करेंगे या फिर दूसरे? देखो साहब, जो जीत दिखाई है वोट भी अर्थ नहीं जान दी है, उनकी उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, वो तो टाइम बताएगा, टाइम पर सपोर्ट किया जाता है। कहने को हम कुछ भी कहें, कुछ भी इसमें बोल दें, उससे नहीं होता है कुछ। लेकिन महिला आरक्षण बिल पास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या लग रहा था कि इससे महिलाओं को तो कुछ मजबूती मिलेगी? अब क्यों, मिलने को मिलेगी, जब कर रहे हैं तो ज़रूर मिलेगी, जब उन्होंने महिलाओं को चुना है तो ज़रूर मिलेगी। महिला के बगैर तो बात ही अधूरी है, लेकिन एक बुजुर्ग चाचा जी बैठे, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? अरे हमें कम सुनाई दे रहे हैं। देखिए, तो सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सब ने अपने मत प्रकट किए। कुछ लोगों का मानना है, ये यादव समाज का बाहुल्य क्षेत्र का गांव है, सभी ने ये कहा कि जो अभी तक परेशानियां हैं, महंगाई है, सड़कों को लेकर के, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के तकलीफें इनके सामने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति और कास्टिज्म का भी प्रभाव है। कुछ लोग मानते हैं कि यादव बाहुल्य क्षेत्र में होने की वजह से वो यादव को वोट करेंगे, भले ही राष्ट्रवाद की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का वर्चस्व दिखाई देता है और इंडिया गठबंधन इनकी नज़रों में मजबूत है। अब देखना होगा कि 2024 के परिणाम क्या होंगे और ये भविष्य में किसकी सरकार बनेगी। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।